नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रत्यूष और आप देख रहे हैं ह्यूंडई क्रेटा का SX वेरिएंट और ये इसका CVT वाला वेरिएंट। मैंने मैनुअल पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका, उसका लिंक अब मैं आपको आई बटन पे छोड़ दूंगा। तो इसकी प्राइस आपको ऑलमोस्ट गुवाहाटी में 17.9 लाख पर जाती है। ये CVT वेरिएंट जो है, इसमें आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिल जाते हैं ओवर द मैनुअल, वो सब सारी चीज़ें देख लेंगे। और फ्रंट से आप देख सकते हैं, यहाँ पे टिपिकल क्रेटा वाला ही लुक है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। आपको काफ़ी यहाँ पे क्रोम ग्रिल विल मिल जाती है, ऊपर बीच वाला पार्ट आपको यहाँ पे मैट फिनिश का ही मिलता है, सिल्वर ट्रायो बीम LED हेडलैम्प जिसे कहा जाता है, LED DRS वो भी है, और हाई बीम लो बीम वो ठीक ठाक है, डिसेंट थ्रो मिल जाती है, ज़्यादातर लोग इसे अपग्रेड करवा ही लेंगे। नीचे आपको इसका इंडिकेटर मिल जाता है, फॉग लैंप्स भी वहीं पे है, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो भी है, नीचे थोड़ा बहुत सिल्वर ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाती है, और इसका पेट्रोल इंजन है बहुत अच्छी, आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, काफ़ी अच्छा रिफाइनमेंट वो सब आपको मिल जाएगा। बस 115 PS ऑफ पावर और 143 न्यूटन मीटर शायद है, कुछ गलती हुआ तो मैं जरूर स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा। नीचे अंडर बॉडी कवरिंग वो भी प्रॉपर मिलती है, माइलेज थोड़ा बहुत कम मिल सकता है आपको डीजल के ऊपर, बट ठीक ठाक आप माइलेज और रिफाइनमेंट आपको मिल जाएगी, हुड भी अच्छा खासा हैवी है। ये इसका ओवरऑल साइड का लुक, यहाँ पे आपको ऐसे सिंगल कलर में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, और इनकी प्रोफाइल आपको एग्जैक्टली मिलती है 215/60 R17। फ्रंट में डिस्क और पीछे भी आपको डिस्क मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। कुछ एक्सेसरीज लगे कार में, वो आपको देख के आइडेंटिफाई कर लिया होगा आपने, ऐसे क्रोम कैप डोर हैंडल्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, ऑटो की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी क्योंकि ये IVT वाला वेरिएंट है। ये सन वाइजर्स मतलब वाइजर्स, ये भी एक्सेसरी है। ये पिलर आपको मैट फिनिश का मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड रूफ रेल्स है ऊपर, शार्क फिन एंटीना, और पूरा आपको सनरूफ भी मिल जाएगा। ये इसका ओवरऑल रियर का लुक, LED टेल लाइट्स आपको मिल जाती है, बट इंडिकेटर वो सब आपको सारी चीज़ें हैलोजन मिलेगी। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप इसका यहाँ पे होता है, कैमरा भी है, हैलोजन लाइट्स फॉर द नंबर प्लेट। LEDs होने से थोड़ा लुक ज़्यादा अच्छा हो जाता है, बट ठीक है। और चार्जर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स वो भी मिल जाते हैं, इसके इंडिकेटर का प्लेसमेंट नीचे होता है। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत स्किड प्लेट और अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है, यहीं पे आपको इसका टोइंग हुक मिल जाएगा। रियर वाइपर डिफॉगर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप वो सब तो है ही, यहाँ पे भी अच्छे से प्लास्टिक से कवर्ड है, यहाँ पे हाथ डाल के बूट खोल पाएंगे। ऑलमोस्ट 430 लीटर्स का बूट स्पेस है, सो अच्छी खासी बूट स्पेस है, बट होंडा जो एलिवेट आने वाली है उसमें तो इससे भी बहुत ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिल जाएगी। सो ये बहुत वो कार एक्चुअली बहुत अच्छा टक्कर देगी इसे, वो देखना होगा आपको। कप होल्डर्स यहाँ पे कभी होस्ट थोड़े बहुत है, ये मैट भी आप ऐसे एक्सेसरी में लगवा सकते हैं Hyundai की ओर से। लाइट आपको मिल जाता है, और यहाँ पे एक हुक है, पार्सल ट्रे आता है, और इसे आप 60-40 में स्प्लिट कर सकते हैं, टू स्टेप रिक्लाइन भी हो जाती है। छोड़िए, मैं स्पेयर व्हील आपको एडी कर दूंगा स्क्रीन पे, देख लीजिएगा कैसा साइज और प्रोफाइल है। ये इसका ओवरऑल रियर डोर का लुक, यहाँ पे भी वही ब्लैक बेज ट्रीटमेंट सिमिलर मिलता है। पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे थोड़ा बहुत सिल्वर ट्रीटमेंट, रियर सेंसर्स भी मिल जाते हैं, बट कुछ शहरों में शायद ये इलीगल है, सो वो देख लीजिएगा आप। बटन होल्डर भी प्रॉपर मिल जाता है, चार स्पीकर, दो ट्विटर है, बोस के स्पीकर्स इस वेरिएंट में नहीं आते, और फुल फैब्रिक सीट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ओवरऑल दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल, आइसोफिक्स सीट माउंट्स वो भी है, और ये पिलोज आपको SX वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है, सो ऐसे दोनों पैसेंजर्स के लिए आपको पिलोज मिल जाएंगे। पता नहीं कि Hyundai क्रेटा में बीच में एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दे रही है, i10 नियोस में भी आ चुका है यार, पता नहीं क्यों नहीं दे रही, बट ठीक है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट वो मिल जाता है, और इसे आप टू स्टेप के लिए रिक्लाइन कर सकते हैं, ये एक लेवल है, और दूसरा और एक लेवल भी चली जाती है। सो ये सब अच्छा है, बैठते अंदर ऐसे मैट्स भी आप ले सकते हैं एक्सेसरी में, सो लेगरूम मुझे अच्छा खासा मिल जाएगा, अंदर थाई सपोर्ट वो भी अच्छा है, और यहाँ पे आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे USB A सॉकेट, थोड़ा बहुत फ़ोन रखने के लिए स्पेस, और फ्लोर ऑलमोस्ट फ्लैट है, और 3 पटले एडल्ट्स इजीली बैठ सकते हैं। क्या पैसे डैम ग्रैब हैंडल्स नहीं है, बट वाइट लाइट्स आपको मिल जाती है दोनों ओर, हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट बेल्ट्स का। मैगजीन होल्डर्स आपको दोनों साइड में मिल जाते हैं, विच इज़ गुड। हेडरूम एक्चुअली मुझे अच्छा मिला, ये थोड़ा और एक स्टेप रिक्लाइन हो जाता है, बट ओवरऑल वेरी कंफर्टेबल, ये पिलोज होने की वजह से, और रिक्लाइन वो सब भी अच्छा है। सेंटर में आर्मरेस्ट भी आता है, इसमें ट्विन कप होल्डर्स भी आपको मिल जाएंगे। सो ओवरऑल पीछे का एक्सपीरियंस अच्छा है, ये पीछे से फ्रंट का लुक, सो फ्रंट में चलते हैं। ये ओवरऑल फ्रंट डोर का लुक, यहाँ पे भी वही ब्लैक बेज ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बॉटल होल्डर्स अच्छे बड़े शेप के, चारों पावर विंडोज के कंट्रोल यहाँ पे, ड्राइवर साइड वाला आपको ऑटो डाउन ऑटो अप दोनों मिल जाएगा, मेरा उसको इंटरनली फोल्ड एडजस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाएंगे, और स्पीकर यहाँ पे, हाइट एडजस्ट आपको मैनुअल करना पड़ेगा। इससे ऊपर वाले SX ऑप्शनल में आपको इलेक्ट्रिक एडजस्ट आ जाता है, वेंटिलेटेड सीट्स वो भी आ जाते हैं, बट यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे फुल फैब्रिक सीट्स है, थोड़ा बहुत गंदा जरूर हो जाएगा क्योंकि ये व्हाइट कलर का है, बट इन सीट्स में आपको एयरबैग मिल जाता है, जो सीट कवर लगाने से पहले एयरबैग कंप्लेंट है कि नहीं वो आप जरूर चेक कर लीजिए। ओवरऑल कंफर्ट बहुत अच्छा है, और ये इसका IVT वेरिएंट, सो प्रॉपर डेड पेडल भी है, और काफ़ी बड़ा आपको ब्रेक पेडल वो भी मिल जाता है।
यहाँ पे इसका फ्यूल लिड है, ऑलमोस्ट 50 लीटर का फ्यूल टैंक है। यहाँ से इसको हुड खोल सकते हैं, यहाँ पे फ्यूज बॉक्स, यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटो स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवल करना हो। चाबी की बात करें तो ये इसकी चाबी, लॉक अनलॉक करना, होल्ड करके रखेंगे कार स्टार्ट हो जाएगी, और होल्ड करके रखेंगे इसका बूट अनलॉक हो जाएगा। सो ये इसका ओवरऑल इंटीरियर का लुक, प्लास्टिक क्वालिटी वो सब आपको बहुत अच्छी मिलती है। डुअल टोन ऐसे बेज और ब्लैक का आपको मिल जाएगा। इस इवेंट्स के अराउंड भी ऐसे सिल्वर थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट है, और 10.25 इंच का आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़ोन, ब्लू लिंक, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल का भी आपको वायर्ड मिलता है। इस वेरिएंट में आपको एयर प्यूरीफायर भी मिल जाएगा, या सीवीटी वेरिएंट में ही आता है सिर्फ। एसएक्स में अगर मैनुअल लेते हैं वहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे देख सकते हैं AQI, क्योंकि यहाँ पे देख ऐसे आपको एयर प्यूरीफायर मिल जाता है। थोड़ा साउंड बंद करती है, सो इसे आप बंद भी कर सकते हैं। और मैप्स, इनबिल्ट मैप्स भी बहुत अच्छे हैं। नेविगेशन, वॉइस, वीडियो, सेटिंग्स पे जाएंगे। सो व्हीकल सेटिंग्स, व्हीकल्स में लाइट्स, उसके बाद डोर, क्लस्टर, कन्वीनियंस, क्लाइमेट, ये सब आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। ज़रूर जाके डिस्प्ले जाके सारे ब्राइटनेस वो सब भी चेंज कर सकते हैं, और जनरल पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो ओवरऑल काफ़ी फीचर लोडेड ये सिस्टम है, उसमें कोई भी शक नहीं। और कैमरा की क्वालिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो आपको कुछ ऐसी कैमरा की क्वालिटी मिल जाती है। ओवरऑल ब्राइटनेस का है, विथ का है, कैमरा की बहुत अच्छी है। रात में भी ज़्यादा ग्रेन्स उस सब के इश्यूज़ नहीं है। कोई कार अगर पीछे आती है तो यहाँ पे रेड लाइट हो जाता है, सो आपको पता चल जाएगा। इसकी ब्राइटनेस वो सब भी आप चेंज कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको फुल ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। बीच में डिस्प्ले भी हो जाती है, रियर डिफोगर, फ्रंट डिफोगर, वो सब। वायरलेस चार्जर भी आता है। यहाँ पे 12 वोल्ट का सॉकेट, एक USB और एक USB मिल जाता है, वो इल्यूमिनेटेड है। एक USB से आप एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर लीजिए और एक से चार्ज कर लेंगे। और ये इसका CVT गियरबॉक्स, ओवरऑल शिफ्ट वो सब अच्छा ही है, PR&D, और इसे आप मैनुअल कंट्रोल भी ले सकते हैं। और जो ये CVT वेरिएंट है ना, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। कम्फर्ट मोड है, उसके बाद इको मोड, उसके बाद स्पोर्ट्स मोड, ये तीन मोड्स मिल जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक वो भी है, ऑटो होल्ड फंक्शन, या रियर व्यू मॉनिटर, यहाँ पर दो कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट, ये स्लाइड वेट कुछ नहीं होता क्योंकि एयर प्यूरीफायर है। यहाँ पे इसके नीचे भी आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, और यहाँ से ये एक्चुअली एयर खींचता है और प्यूरीफाई करके बाहर निकाल देता है। ग्लव बॉक्स में भी अच्छी डिसेंट स्पेस है, यहाँ पे आपको कूलिंग भी मिल जाएगी। मैनुअल IRVM से यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोकॉमिक नहीं मिलता। SOS, RSA, ब्लू लिंक कनेक्टिविटी वो सब भी है। सनग्लास होल्डर, पैडिंग है, LED लाइट्स, सनरूफ, 12 ओपनिंग है सनरूफ का, और टिंटेड भी थोड़ा बहुत है, सो गर्मी भी कम आती है। मैं खोल बोल के दिखा नहीं रहा हूँ, बट इससे जब निकलेंगे तो एक कभी कार जब स्टिल रहे तभी निकले, चलते कार में प्लीज़ इससे बाहर मत निकलिए। यहाँ पे मिरर मिल जाता है, और यहाँ पे आपको टोल टिकट होल्डर मिल जाएगा। सो आपको ऐसा लेदर रैप, यहाँ पे डीकस स्टेयरिंग मिल जाता है। यहाँ पे सारे ऑडियो के कंट्रोल्स, वॉइस कमांड भी दे सकते हैं। और ये CVT वेरियंट है, सो यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं, सो इससे मैनुअल कंट्रोल ले पाएंगे। MID के कंट्रोल्स, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, और स्टेयरिंग को आप हाइट, सिर्फ हाइट के लिए एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट फॉर रीच, विच इज़ बिट स्ट्रेंज। 18 लाख की कार में नहीं मिल रही ये सब। और इंस्ट्रूमेंट कंसोल फुल्ली आपको ऐसे एनालॉग सिस्टम मिल जाएगा, बट इसका फॉन्ट्स वो सब बहुत अच्छा है। यहाँ पे इंजन टेम्परेचर, वहाँ पे फ्यूल लेवल, और तीनों पैसेंजर्स ने पीछे सीट बेल्ट पहना है कि नहीं उसके लिए भी वार्निंग आता रहता है। और बीच में ऐसे MID है, MID को आपको यहाँ से कंट्रोल करना है। सो कंपास मिल जाता है आपको, उसके बाद टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो भी है, फ्यूल इकोनॉमी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइवर इन्फो, डिजिटल स्पीड, ऑटो स्टॉप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। सेफ्टी फीचर्स की बात करें, सो यहाँ पे आपको ABS, EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ESC, हिल होल्ड, 6 एयरबैग्स आपको इस वेरिएंट पे मिल जाते हैं। और CVT अगर लेना है आपको, आपके लिए बहुत अच्छा एक वेरिएंट होगा ये। CVT में एक्स्ट्रा क्या क्या फीचर्स आते हैं, ड्राइव मोड्स, ट्रैक्शन, जो मोड्स है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड के साथ, ये सब आपको CVT वेरिएंट में ही मिलता है, नॉर्मल मैनुअल वाले में नहीं मिलेगा। सो ओवरऑल फीचर्स आपको कैसे लगे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सेफ्टी में उतना बॉडी शीट मेटल पे काम करना होगा Hyundai को, फीचर्स देने से सिर्फ नहीं होता, क्रैश टेस्ट भी थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा इसे। सो या मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है कि ऐसे नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।